देश में कई राज्यों ने शुरू की है तीसरी लहर की तैयारी, और ये राज्य कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र और कर्नाटक का नाम सबसे पहले लेना होगा। महाराष्ट्र और कर्नाटक में पीडियाट्रिक कोविड सेंटर बनेंगे, ये तय किया गया है। यूपी सरकार ने भी थर्ड वेव पर पूरा एक्शन प्लान बनाया है। यूपी के 45 मेडिकल कॉलेज के 7000 से ज्यादा मेडिकल स्टूडेंट्स को अस्पतालों में कोविड वार्ड में तैनात किया गया है। तो तीसरी लहर में जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये बच्चों पर कहर ढा सकती है, उसको लेकर अभी से सावधानियां एहतियात तो जरूरी है ही, सरकारों का एक्शन में आना भी बहुत जरूरी है। और इससे रिलेटेड ये खबर हमने आपको बताई कि इन राज्यों में तैयारियां शुरू भी हो गई। तो तीसरी लहर का खौफ है, तैयारियां कैसे शुरू हुई हैं ये जरा हम आपको बिग बॉल के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकार ने तीसरी लहर पर तैयारी शुरू कर दी है, यहां पर काम शुरू हो गया है। इन दोनों राज्यों में तीसरी लहर का सामना करने के लिए तैयारियां हो रही हैं। महाराष्ट्र कर्नाटक में बच्चों के लिए अलग अलग कोविड वार्ड बनाए जा रहे हैं। तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं, जो तमाम रिपोर्ट्स हैं, उसके आधार पर जो बातें सामने आई हैं उसके मद्देनजर ये तैयारियां की जा रही हैं। महाराष्ट्र में 11 डॉक्टर्स की कोविड टास्क फोर्स स्ट्रेटजी बना रही है कि तीसरी लहर का कैसे सामना करना है, क्योंकि बच्चे इससे खासे प्रभावित हो सकते हैं, तो उनके लिए कैसे अलग इंतजाम किया जाए। कर्नाटक में हर जिले में बच्चों के लिए कोविड केयर सेंटर बनाने का आदेश दिया गया है, और यहां पर ऐसे सेंटर्स में बहुत खास इंतजाम करने होंगे, क्योंकि जाहिर है बच्चे अलग नहीं रह सकते पेरेंट्स से, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। हमने देखा है दूसरी लहर में जितने संख्या में मरीज प्रभावित हुए अलग अलग कोविड वार्ड्स में, उनको अटेंडेंट तक नहीं मिल रहे थे, बड़े तो रह गए लेकिन बच्चे कैसे रहेंगे, ये एक समस्या है। अक्टूबर नवंबर तक पीडियाट्रिक कोविड सेंटर शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है, अक्टूबर नवंबर तक। और मनीष यादव क्योंकि इस वक्त यूपी की राजधानी लखनऊ से ही हमारे साथ मौजूद हैं, मनीष ग्राउंड पर कहां तो जा रहा है कि सरकार ने यह फैसला ले लिया तीसरी लहर की, हम यह तैयारी कर रहे हैं, ग्राउंड पर क्या इंतजाम नजर आ रहे हैं आपको? देखिए समीप, तात्कालिक फैसलों के लिहाज से बात करें तो अभी तक देहात क्षेत्र में ही सुविधाएं बढ़ाई नहीं जा सकी, तो तीसरी वेव की बात छोड़ दीजिए। हालांकि मैन पावर बढ़ाने के उद्देश्य से एमबीबीएस के जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे उनको अस्पतालों में तैनाती दी गई है। पीडियाट्रिक क्रिटिकल केयर यूनिट अब हर जिले में होगी, ऐसे भी आदेश कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। टीम 9 की बैठक में ये मंथन हुआ था कि तीसरी लहर की तैयारी से पहले सभी जिलों में कम से कम बच्चों के लिए अस्पताल होने चाहिए, क्रिटिकल केयर यूनिट होनी चाहिए, क्योंकि कई जिलों से जो बच्चे हैं या तो पूर्वांचल के गोरखपुर जाते हैं या फिर अगर क्रिटिकल हालात में होते हैं तो लखनऊ लाया जाता है और बीच में उनकी मौत भी हो जाती है। तो ऐसे में तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए ये तैयारी करने का फैसला लिया गया है। हालांकि जमीन पर कब तक उतरेगा उसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन मनीष अभी तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई है यूपी सरकार को और कहा है तमाम जिलों का नाम बताते हुए बाकायदा कि इन जिलों में जो मेडिकल सुविधाएं हैं, जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनको एसजीपीजीआई की तरह विकसित किया जाए, तो वो काम भी तो करना है अभी। देखिए बिल्कुल सभी दो तस्वीरें हैं, लोक भवन से लोक लुभावन फैसले वो दिखाई देते हैं और जब हाईकोर्ट में सरकार जवाब दाखिल करती है तो वहां कुछ आंकड़ा कुछ और होता है, वहां कहना कुछ और होता है और हाईकोर्ट की फटकार बताती है कि यूपी में स्थिति क्या है। राम भरोसे गांव की व्यवस्थाएं हैं, मेरठ से लेकर लखनऊ तक ऑक्सीजन की कमी से जो मौतें हुई हैं उनमें सरकार को सफाई देते नहीं बन रहा है। लगातार हर रोज कोरोना संक्रमण के मामले में सरकार को हाईकोर्ट फटकार लगा रहा है, लेकिन बावजूद इसके हालातों में कोई सुधार अभी तक समीर देखने को नहीं मिला है। अब कितनी गंभीरता से हर जिलों में इस पीडियाट्रिक यूनिट को बनाने की बात होती है और कैसे बनाया जाता है, ये इसकी मियाद तय करनी होगी और इसको इंप्लीमेंट ढंग से करना होगा, क्योंकि जो निगरानी चैल इस पर एक कमेंट आपका छोटा सा देखा है कि राम भरोसे क्यों है व्यवस्थाएं अभी भी समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, हाईकोर्ट को बताना पड़ रहा है। देखिए समीर जी, अगर राम भरोसे चीजें वहां पर होती, बिल्कुल हाईकोर्ट ने कहा ठीक है उस पर जो भी कमी है उसको सरकार वहां पे ठीक करेगी, लेकिन राम भरोसे को मुझे लगता है कि आज जिस तरीके से पंजाब की स्थिति है उसको भी आपको देखना चाहिए। डेथ रेट सबसे ज्यादा है पंजाब के अंदर, उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर दिल्ली है, उत्तर प्रदेश तो बहुत पीछे है। मैं कहता हूँ एक भी व्यक्ति की मौत होती है बहुत दुखद है, तैयारियां अगर नहीं होती तो उत्तर प्रदेश जैसा इतना बड़ा राज्य जो है सबसे ज्यादा जिसमें आबादी है उसमें अगर इतनी कम संख्या में चीजें अगर नुकसान होता है तो एक कहीं ना कहीं सरकार ने वहां पर काम किया मानना है। बिल्कुल वहां पर और चीजें सुधारने की जरूरत है क्योंकि बहुत बड़ा राज्य सब कुछ है और हेल्थ फैसिलिटी जो है उसको इंप्रूव करने की जरूरत है बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं योगी जी ने बहुत अच्छा वहां पर काम किया। एक चीज
मुझे लगता है कि जिस तरीके बहुत से अच्छा अगर काम किया होता तो ये हालात नहीं होते ना रोहित, ये हम बार बार अपनी पीठ थपथपाएं ये कहकर कि बहुत अच्छा काम हमने किया है, इससे बेहतर ये होगा कि जहां कमियां हैं उसको ढूंढ लें और दुरुस्त कर दें ताकि आने वाले वक्त में कम से कम हालात सुधर जाएं, ये कोशिश होनी चाहिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।